पिछले दिनों से एसडीएम ने निरीक्षण कार्यवाही करते हुए कई डायरी संचालकों पर कार्यवाही की थी, जिसके चलते कई स्थानों पर दूध पनीर घी के सैंपल भी लिए गए थे। यहां एसडीएम को लगता कि डेयरी संचालक पूर्ण शुद्धता से कार्य नहीं कर रहा है, वहां एसडीएम जीवन सिंह रजक ने उस सामग्री को जब्त कर चालानी कार्यवाही भी की थी। वहीं उनकी सक्रियता को देखते हुए वह प्रशासनिक महकमे में काफी चर्चित हो गए थे। वहीं कहा जाता है कि जब भी कोई अधिकारी अच्छा कार्य करता है तो उसे हटाने के लिए भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता है। कुछ इस तरह से ही एसडीएम का यहां से स्थानांतरण जिले के खाते गांव में हो गया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कार्य किया उससे प्रशासनिक स्तर के अधिकारी खुश हैं, जिस पर उन्हें देवास ही रहने दिया गया। अब कार्यवाही को एसडीएम ने निरंतर चलने दिया और फिर से कार्यवाही की। पूर्व की तरह कार्यवाही करते हुए बुधवार दोपहर में एसडीएम ने मक्सी रोड स्थित अनिक इंडस्ट्री पर जांच हेतु निरीक्षण किया, जहां पर व्याप्त गंदगी को देखते हुए नाराजगी भी प्रकट की। वहीं खाद्य सामग्रियों की जांच हेतु 5 प्रकार के सैंपल भी लिए गए। बताया जाता है कि अनिक इंडस्ट्री में सौरभ डायरी के फ्रेंचाइज भी ली हुई है। एसडीएम जीवन सिंह रजक ने पिछले दिनों से लगातार कार्यवाही करते हुए डायरियों पर अशुद्ध सामग्री पाए जाने पर जब्त की, वहीं कई सामग्रियों के सैंपल भी लिए गए। एसडीएम ने बताया था कि यह सैंपल भोपाल भेजे गए हैं, जिनकी शुद्धता कितनी है इसकी जानकारी 14 दिनों में पता लग सकती है। हालांकि अब तक भेजे गए सैंपल में जांच रिपोर्ट आना बाकी है। फिलहाल कार्यवाही करते हुए बुधवार दोपहर को मैक्सी रोड स्थित अनिक इंडस्ट्री पर भी कार्यवाही की गई। यहाँ पर फायर व्यवस्था को भी देखा गया, जहाँ पर कुछ अनियमितताएं पाई गई वहाँ पर चालानी कार्यवाही भी की गई। बुधवार को की गई कार्यवाही के दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम जीवन सिंह रजक ने बताया कि आगामी दिनों में रक्षाबंधन पर्व आने वाला है। इन खाद्य कंपनियों से कई प्रकार की खाद्य सामग्री बाजार में जाती है, जिसकी शुद्धता के बारे में जानकारी नहीं होने पर मिलावटी खाद्य सामग्री बाजार में विक्रय हेतु चली जाती है, जिसको लेकर लगातार निरीक्षण जारी है। यहाँ भी अनियमितताएं मिलती हैं, वहाँ पर तत्वित कार्यवाही की जाती है। वहीं बुधवार को अनिक इंडस्ट्री से भी 5 प्रकार के सैंपल लिए गए हैं। बताया जाता है कि अनिक इंडस्ट्री प्लांट पर सौरभ डायरी के सैंपल लिए गए। एसडीएम के द्वारा की गई कार्यवाही के बाद रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए लगता है कि अब आगे शहर की कई मिष्ठान दुकानों पर भी कार्यवाही निसंदेह हो सकती है। हमने क्या पाया है, क्या यहाँ पे ये देवास में अनेक मिल्क प्रोडक्ट है, बड़ी फैक्ट्री है, इसमें हम आज निरीक्षण करने आए क्योंकि राखी आने वाली है और संभावना हमेशा ये बनी रहती है कि राखी के टाइम पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की जो सेल होगी वो अधिक मात्रा में होती है, तो उसमें मिलावट की संभावना होती है। इसलिए चूँकि हम लगातार इस चीज़ पे सुपरविजन कर रहे हैं, निरीक्षण हमारा चल रहा है कि अच्छे से अच्छा जो मिठाई और मिल्क प्रोडक्ट हैं वो पब्लिक को मिले, इसलिए हम आज यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हैं। तो हमने यहाँ पे 5 सैंपल ले रहे हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के, 5 सैंपल हम यहाँ से लेंगे लेके और हम यहाँ से जांच के लिए भोपाल को भेजेंगे। सर हमने पाउडर भी देखा था, किस पाउडर किस तरह का है, मिल्क पाउडर, कितना पाउडर है? मिल्क पाउडर है कुछ, तो हमें बड़ा उसकी शुद्धता पे हमें संदेह है। हमने एफएसओ साहब को कह दिया है कि उसको वो जब्त कर लें, जब्त करके उसका सैंपल लेके हम राज खाद प्रयोगशाला उसको भेज रहे हैं, जो भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर हमने पाई गई सर कमियाँ, मतलब काफ़ी स्थिति तो यहाँ पे ठीक है, फिर भी एक तो कमी है कि इनकी जो कर्मचारी उनका मेडिकल नहीं हुआ है, हर 6 महीने में नियम अनुसार मेडिकल वो मेडिकल नहीं है। कुछ यहाँ जो है कंटामिनेशन की भी स्थिति है कि कहीं से फंगस लगी हुई है, कहीं है, तो हम उनको कर दिया है, नोटिस भी जारी कर रहे हैं। 8 दिन में ये अपना सारी व्यवस्था ठीक कर लें, उनके ऊपर इनके खिलाफ FSI के रूप में कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।